नहीं बैठले क्यों रह जाते हैं? नहीं तो सब पार्टी अपना अपना विधायक दल का बैठक करता है और किस तरह से जोरदार ढंग से जो इश्यूज बिहार का है उसको कैसे कांग्रेस पार्टी उठाए उसके लिए हम सभी साथी बैठे हैं। मौन सत्याग्रह का कार्यक्रम भी है। मौन सत्याग्रह का तैयारी 12 तारीख को है, महात्मा गांधी जी के स्टैचू के नीचे 10,000 कांग्रेसी हम लोग उस दिन मौन सत्याग्रह करेंगे। राहुल जी के साथ जो कुचक्र रचा गया है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग मौन सत्याग्रह करेंगे। थैंक यू। जी कभी दौर चल रहा है, आज क्या बैठक हो रही है और कितना इम्पोर्टेंट है? CLP की बैठक है और हमारे घर पे पहली बार बैठक, आप सब लोगों का स्वागत है। और यह तो एक प्रक्रिया ऐसे भी होती है जब विधानसभा की बैठक होती है, इजलास होता है, तो मीटिंग हर पार्टी अपने विधायक दल की करते हैं, तो वह प्रक्रिया भी है और वही है। आज के दिन में सारे MLAs हैं कांग्रेस पार्टी के, MLA और MLC, विधानमंडल की आज बैठक है और जो विभिन्न मुद्दे डिस्कशन के विधानसभा में आएंगे, विधान परिषद में आएंगे, जिन मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने भी बहुत सारे सवाल किए हैं वो हैं देश के पैमाने पर जो ज्वलंत सवाल हैं आज के दिन में, और जो हमें हमारा जो लक्ष्य है, जो निर्धारित लक्ष्य है 2024 का, उस पर बात करनी है। 12 तारीख को हमारा एक एजुटेशनल प्रोग्राम है यहाँ गांधी मूर्ति पे, गांधी मैदान में, तो उन सब के बारे में प्रिय चर्चा और कार्यक्रम के बारे में चर्चा होगी आज के दिन। BJP लगातार ऐसे दावे करते रहे कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्या? अच्छा, तो उनके कौन लोग हैं जिनके संपर्क में टेलीफोन के साथ वो बता दें? अनर्गल बयान दे करके माहौल को क्यों करना चाहते हैं? कोई नहीं जाने वाला है, हम भी कर सकते हैं। आपको पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग मेरे संपर्क में हैं कि भैया आप तो हम लोग का लोटिया डूब रहा है, साथे रहना है, तो ये बताइए उनको कि आप तो खुद संपर्क कर रहे हैं, विधायक दल के कांग्रेस विधायक दल के नेता बोल रहे हैं। तो इसीलिए आग्रह ये है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ मजबूती से बढ़ रहे हैं और महागठबंधन से परेशानी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, क्योंकि एक बैठक शानदार हो गई यहाँ, दूसरी 17-18 को होगी और लगातार देश में जनता का रोष बढ़ रहा है, उनके खिलाफ एक माहौल वातावरण बन रहा है, इसीलिए वो परेशान है, तो माहौल बनाना चाहते हैं। इस माहौल बनाने से कुछ होगा नहीं, जो जहाँ है वो सब अडिग है और जो जहाँ है वो चीज़ों को चूँकि झेल रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को समाज के अंदर हम लोग राजनीति करते हैं ना, समाज जिन चीज़ों को झेल रहा है उसी के तो खिलाफ हम लोग हैं कि वो झेले नहीं, तकलीफ़ में नहीं रहे हमारा समाज, इसीलिए तो गठबंधन है, इसीलिए तो हम लोग ये सवाल और आवाज़ उठा रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।